बेंगलोर से अयोध्या आ रही आकाशा एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 1821 में बम की सूचना मिली तो हर कोई हरकत में आ गया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरने से पहले ही इमरजेंसी मीटिंग और उसके बाद 1:50 पर फ्लाइट जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत यात्रियों को निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। फ्लाइट नंबर 1821 में मौजूद 173 यात्रियों की स्कैनिंग और जांच के बाद विमान और उसमें मौजूद सामानों की जांच की गई। इस प्रक्रिया में लगभग 50 का समय लगा। हालांकि सुखद यह रहा कि प्लेन में बम की सूचना महज अफवाह निकली। पिछले 15 दिनों में ये दूसरा मौका है जब अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर विमान के बम की सूचना मिली है। हालांकि इस समय देश में कई जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी देखिए चेकिंग चल रही है आकाशा एयर की फ्लाइट के, जो बेंगलोर से अयोध्या आ रही थी उसके अंदर बम थ्रेट कॉल थी और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग के अंदर ले आए हैं रैंडमली जांच करके, और अभी जहाज़ की जांच हो रही है। उसके बाद हम होपफुली, ये भी हॉक्स कॉल ही होगी, तो उसके बाद जहाज़ को भी रवाना। इसमें 173 यात्री हैं और सभी यात्रियों को हम, पैसेंजर को सब बिल्डिंग के अंदर तो ले आए हैं उनको जांच। क्या कारण है कि एक बार पहले भी थ्रेट की सूचना थी बम की और फिर एक बार ये चली रही है देश, पूरे देश में आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ये सूचनाएं चल रही हैं इस तरह की, और ज़्यादातर सूचनाएं गलत निकल रही हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सूचना भी शायद गलत होगी, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको हमें पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह के जो रूमर्स आ रहे हैं इसको देखते हुए कभी सच भी हो सकता है, तो बिल्कुल अथॉरिटी इसको लेकर क्या? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं इस चीज़ को देखते हुए। तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना मिली, जहाज़ यहाँ पर 1:50 पर लैंड कर गया था, उसको हमने आइसोलेशन बे की तरफ, जो बे नंबर 8 है हमारी, उसके अंदर लेके गए हैं। पैसेंजर्स को वहीं उतार करके अभी उनके सामान की जाँच चल रही है। BDDS टीम हमारी पहुँच गई है और उसके बाद जो है जहाज की गहन जांच होगी, उसके बाद क्लियर ऑफ कर दिया। अब ये तो हायर लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोग, जो हमारे पास जो कॉल होती है, हमारा जो कर्तव्य है BTAC करके हम जहाज़ को पूरी तरीके से चेक करके उसके बाद उसको। हाँ जी, कहाँ तक की आ रही थी? अभी आकाशा एयर की थी। कहाँ से? ये बेंगलोर से अयोध्या आई है फ्लाइट। इसमें 173 पैसेंजर्स थे और सभी पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग में ले आए हैं। उनकी पूरी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये बेंगलोर ही जाएगी यहाँ से वापसी। यात्रियों का पूरी हम ख्याल रख रहे हैं, तो अभी उनको बिल्डिंग में ले आए हैं, और जो यात्री जो थोड़े से बुजुर्ग हैं उनको हमने बैठने के लिए भी व्यवस्था कर दी है। सामान की जाँच चल रही है और एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जाँच चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। कल रिहर्सल भी किया था। मैं बेंगलोर से आ रही हूँ, मैं बोइंग से आ रही हूँ आकाशा एयर से। सर ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया हमें कि बम है वहाँ पे, बट हमें कहा गया कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उन्होंने सारे सामानों को वेरीफाई करवाया कि कौन सा सामान किसका है, और जब उन्हें तसल्ली मिल गई तो उसके बाद फ्लाइट में शांति थी। बाहर निकलने के बाद हमें रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, सामान जब कलेक्ट कर रहे थे तो, और सबके सामानों पर मेटल डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, तो जब सब कुछ सेफ पाया गया तो हमें जाने दिया। मतलब थोड़ा सा डर लगा था एक बार, बट अटेंडेंस ने काफ़ी अच्छे से हैंडल करी सिचुएशन, तो कामली सब कुछ हो गया। सुनैना, हम बैंगलोर से आ रहे भैया। हाँ, ये बम की सूचना जो है वो आधी फ्लाइट में हम पकड़ेंगे। अच्छा, फ्लाइट की ये जो बम की सूचना है आधे रास्ते में उन्होंने, जो कैप्टन है फ्लाइट के, उन्होंने इसकी सूचना दी थी कि इसमें जो सूचना मिली है कि इसमें बम होने के आसार है। उसके बाद उन्होंने सारे जितने भी हमारे कैबिन बैगेज थे उन सबको बोला, हर किसी को अपना अपना बैग आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लेम करने के लिए। सभी ने अपना बैग क्लेम किया। एक बैग था जो कि उन्हें लग रहा था कि कोई क्लेम नहीं कर रहा है, बट उसके बाद में भी एक व्यक्ति जो थे उन्होंने अपना उसको क्लेम किया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस मामले में तारीफ़ करूँगा आकाशा एयर के क्र्यू की, कैप्टन की, उन लोगों ने बहुत ही शांति से इसको संभाला। हमारा नाम सत्यजीत सिंह है।